हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश की फोर्थ लेसन करेंगे जो है हाउ टू बिलीव। ये फोर्थ पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने लेसन और सेकंड पार्ट में भी लेसन कई कुछ कंटेंट पढ़े हैं और थर्ड में हमने यहाँ से ये यहाँ तक का कंप्लीट किया हुआ है और यहाँ से हम अब फोर्थ पार्ट में कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। लुक एट द टाइटल ऑफ द सेलेक्शंस ऑफ मॉन्टिस स्कूल डिस्प्ले बोर्ड। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मॉन्टिस के स्कूल डिस्प्ले बोर्ड का जो था, जैसे मडी सीन वगैरह, विंग विक्ट्रीज है ना, ये कॉन्टेस्ट वाले यही थे ना, लेसन पढ़े होंगे तो याद होगा ये सब। तो ये सारे तीन कॉन्टेस्ट उनके नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड में था, डिस्प्ले बोर्ड में। तो इसके हिसाब से अब ये बताएंगे क्वेश्चन, हमको क्या पूछा है वो बताना है। टाइटल क्या है? द मडी सीन। मडी सीन के बारे से है। मडी सीन कौन सा था? ये वाला मडी सीन। तो इस टॉपिक के बारे से क्या पूछा है? डू यू लाइक इट। क्या पूछा है? डू यू लाइक इट, क्या आपको पसंद आया था? तो आप क्या लिखेंगे? यस यस आई लाइक इट। वट इज द कॉमन इन द फैक्ट अंडर द टाइटल। तो इस जो टाइटल में है इसमें कॉमन फैक्ट क्या था? पीपल स्लिंग। पीपल लोग स्लिंग यानी कि फेंकते हैं मड ऑन ईच अदर। ठीक है, लास्ट ये सेकंड देखते हैं। अब विंग्ड विक्ट्रीज वाली थी जो बर्ड वाले में। व्हाट डज द वर्ड विंग्ड स्टैंड फॉर। विंग्ड किसके लिए स्टैंड किया गया है? ये विंग्ड स्टैंड फॉर विंग्ड, ये स्टैंड फॉर बर्ड्स, ये रहेगा। वाट वेयर द विक्ट्रीज, उनकी जीत का क्या था? पैरेट वाज एबल टू, यहाँ लिख देती हूँ, एबल टू आइडेंटिफाई इट्स रियल ऑनर। ये फर्स्ट वाला ही है इसका। और सेकंड का क्या है? वो हैन थी ना, हैन वास सर्वाइव बाय ईटिंग इट्स ओन एग। तो जो हैन थी वो अपना ही एग को खाकर जीवित रह रही थी, जिंदा थी, अपनी लाइफ को जी रही थी। और ये विंग, ये पैरेट जो थी, पैरेट वाज एबल टू आइडेंटिफाई इट्स रियल ऑनर। तो वो अपने रियल ऑनर को पहचान रही थी, किस तरह से अपने ऑनर के चिल्ड्रन के बच्चे लोगों का नाम को, वर्ड को, नाम को बार बार रिपीट करके बोल के। इसके बाद थर्ड वाला है मिरेकल मैन। हु आर द मिरेकल मैन। मिरेकल मैन कौन कौन थे उनका नाम लिखना है। तो क्या था नाम? फ्रांसिस्को, यहाँ पास लिखा है ना नाम, देखिए दे, ये फ्रांसिस्को लैटिनी, ये यहाँ तक का ये नाम है। ये फर्स्ट वाले में लिखना और सेकंड वाले में ये एंड देयर, ये सन है उनके, थ्री सन्स लीड एंड हिज टू ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सबका नाम लिखेंगे यहाँ इस वाले में। तो यहाँ पास नाम लिखते हैं फ्रांसिस्को लैटिनी और एंड लियो, यहाँ से शुरू करती हूँ, लाइन कम पड़ जाएगा नहीं तो।
लीव थ्रो लीन एंड इज थ्री सन एंड टू ग्रैंड चिल्ड्रन. आप देख के ध्यान से लिख लीजिएगा. और व्हाट इज मेरिशेलियस इन देम, उनमें क्या क्वालिटी थी, क्या था, वो क्या कर रहे थे. उनकी क्वालिटी ये थी कि लैल टिनी हैड थ्री लैग. ये उनकी मेरिकल वाली बात थी ना कि उनके पास थ्री लैग थे. और उसके बाद जो ये क्या बोलने से ये है ना लियो थ्री लीन, इनके मैग्नेटिक मैन थे. लीन वास मैग्नेटिक. आपको अगर ये समझ नहीं आएगा स्पेलिंग तो आप पीछे बुक से यहाँ से देखकर लिख लेंगे. ये बताया था मैंने अभी भी, तो आप इसका ये थ्री लैग ऐसे देखकर इसका कर लेंगे और ये इसका ये वाला ऐसे करके कंप्लीट करेंगे. और ये मैग्नेटिक, ठीक है. चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं. मेंशन द पैराग्राफ नंबर विच कंटेंस द फॉलोइंग फैक्ट एंड आइडियाज. तो जो फैक्ट और आइडियाज हैं वो कौन से पैराग्राफ नंबर के, पैराग्राफ नंबर पूछा है. तो पैराग्राफ कैसे काउंट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ से यहाँ तक थर्ड, ये फोर्थ, ये यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ, ये सिक्स, और ये यहाँ से यहाँ तक सेवन पैराग्राफ यहीं हो जा रहे हैं. और ये यहाँ से यहाँ तक का एट, और ये नाइन, ये टेन, और ये इलेवन. टोटल इलेवन पैराग्राफ हो रहे हैं. और एक कॉमनली इसको मान लिया जाए ट्वेल्व. इसका यूज वैसे तो नहीं है लग रहा है, मगर फिर भी ठीक है. अब इसके बाद आंसर देख लेते हैं. तो ये कॉमनली कौन से लाइन पर दिया है, पीपल्स ऑफ ऑल एजेस स्लिप एंड स्लाइड ओवर मड इन मंथ ऑफ जुलाई. तो मड मेनिया वाले में है, तो मड मेनिया कौन सा ये वाला लाइन है, ये टेन वाला है. तो हम यहाँ पास टेन पैराग्राफ नंबर लिखेंगे. यहाँ पास ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मड इज़ रिक्वायर्ड फॉर मड मेनिया फेस्टिवल. मड मेनिया फेस्टिवल के बहुत वो चाहिए था. ये कौन से पैराग्राफ में है, ये भी ये मड मेनिया फेस्टिवल का. यहाँ पास देखिए काफ़ी मड प्रिपेयर चाहिए रहते हैं, ये लिखा ना यहाँ. ये भी कौन से लाइन पर ही है, टेन पैराग्राफ पे ही है. तो इसको भी टेन ही लिखेंगे, यही कही है, चेंज नहीं है. स्टफर्ड बैल हेल्प एलिफेंट इन स्टीलिंग बनानास से स्टील कर रहे थे. तो वो एलिफेंट वाला इलेवन वाले में है, ये बनाना स्टील करते हैं, ये इलेवन, इस तरह से लिखेंगे. चलिए बाकी को देखकर समझकर लिखना, काउंट करके. इतना आपके होमवर्क के लिए छोड़ देती हूँ. और आगे का स्लिंग में अच्छा चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. गिवन बिलो आर सेंटेंस दैट डिस्क्राइब सम एक्शन. तो सम एक्शन है, कुछ करने की चीज़ है, क्रिया है, मतलब वर्ब है ये सारा, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, करना. चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट मैच द डिस्क्रिप्शन एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइड. और इसका मीनिंग जो भी है उसको यहाँ पास लिखना है, किसके लिए क्या होता है करके. तो ही ऑलवेज थ्रू द कीस टू मी फ्रॉम द डिस्टेंस. तो वो हमेशा मतलब कि की को फेंकता है दूरी से. तो क्या होगा उसके लिए आंसर,
तो फेंकना होगा ना, तो फेंक रहा है, थ्री मतलब कि फेंकना, और फेंकने का मतलब यहाँ पर स्लिंग से होता है, तो यहाँ पर स्लिंग आएगा। और सेकंड, आई यूज्ड रफ कॉटन एंड पीस ऑफ क्लॉथ टू फील इन द रैबिट दैट मदर दर स्टिचेज फॉर मी। रैबिट जो टेडी बेयर वगैरह होते हैं ना, उसमें भरने के लिए कॉटन वगैरह या पीस ऑफ क्लॉथ कुछ डालने के लिए दी है, भरने के लिए। तो भरने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भरने को स्टफ बोलेंगे, स्टफ्ड यहाँ पास आएगा, ये स्पेलिंग यहाँ पास लिखेंगे। नो वन हैड सीन बिट्टू टेकिंग अवर स्वीट फ्रॉम किचन। किसी ने नहीं देखा बिट्टू ने किचन से स्वीट्स चुरा लिए, यानी कि मिठाई निकाल ली है। तो ये क्या होगा? चुपचाप से निकाल लेना, स्टील होगा। तो स्टील यानी कि चुराना होता है, स्टील ये है। फिर द फायरमैन सेव्ड टू चिल्ड्रन फ्रॉम द टॉप स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग ऑन फायर। तो टॉप स्टोरी बिल्डिंग के जो फायरमैन थे, वो दो बच्चे को बचाते हैं, बिल्डिंग जहाँ फायर लग गई थी, तो उसको क्या बोलेंगे? बचाना को क्या बोलते हैं? रेस्क्यू। आप इसका मीनिंग को हिंदी में भी लिख कर रख लेंगे तो आपकी इजी पड़े आपको समझने में। वर्ड मीनिंग हिंदी में लिख लेना और याद रखना, तभी याद रहेगा तो समझ पाएंगे, और समझेंगे तो लिख पाएंगे। इट वॉज ईजी टू स्नैच्ड एट द चेन ऑफ द वॉच दैट हैंग आउट फ्रॉम ग्रैंड स्पेयर पॉकेट। तो इजी निकाल लेना, यानी कि चेन को खींच लेना आसान होता है जब ग्रैंडफादर पॉकेट में लटका के रखते हैं। किससे लटका के रखते हैं? वॉच को, चेन से। तो उसको क्या बोलेंगे? लटका के रखना, हैंग को। ये हैंग दिया है, ये डैंगल आएगा। एल है। डू नॉट पेस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। पेस्ट नहीं करना है, चिपकाना नहीं है एडवर्टाइजमेंट को स्कूल की बिल्डिंग के दीवारों पर। तो चिपकाना को क्या बोलते हैं? स्टिक। चिपकाना फेविस्टिक होता है ना, हाँ वैसे ही। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के वीडियो बाकी के आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर आपको ये आंसर ठीक लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।